हेलो 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 माय डियर फैमिली, क्या हाल चाल है भाई सबके। फिर एक बार आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जस्ट एक सिनेमा अपडेट्स के एक और नए एपिसोड के अंदर, और आज का अपना एपिसोड नंबर है 299। तो चलो शुरू करते हैं यार। आज की हमारी सबसे पहली अपडेट है अल्लू अर्जुन और डायरेक्टर सुकुमार की फिल्म पुष्पा 2 द रूल से, जहाँ काफी सारे न्यूज पोर्टल से ये न्यूज सामने आ रही है कि अपने शूटिंग शेड्यूल टाइम पर ना कंप्लीट होने की वजह से पुष्पा 2 मूवी अपने रिलीज डेट 15 अगस्त से पोस्टपोन हो सकती है। लेकिन वहीं कुछ मीडिया पोर्टल से ये न्यूज भी सामने आई है कि पुष्पा 2 मूवी के शूटिंग शेड्यूल अपने ट्रैक पर ही है और मूवी के डिले होने के रूमर्स फेक है। अब इनमें से कौन सी न्यूज फेक है और कौन सी रियल है ये बताना मुश्किल है, क्योंकि दोनों ही मीडिया पोर्टल्स काफी ट्रस्टेड सोर्सेज है। फिलहाल के लिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार करते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। आगे बात करें तो जैसे ही पुष्पा 2 द रूल मूवी के डिले होने के रूमर्स सामने आए, उसके कुछ ही देर के बाद एक दूसरी मूवी के प्रीपोन्ड होने की खबरें सामने आने लगी। मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार की न्यू कॉमेडी फिल्म खेल खेल में की, जहां पहले तो इस मूवी को इस साल के लेटर हाफ में रिलीज होना था, लेकिन कल शाम को टी सीरीज ने मूवी के मेन एक्टर्स की फोटो शेयर करके बताया कि ये मूवी 15 अगस्त को रिलीज होगी। इस मूवी के अंदर हमें अक्षय कुमार के साथ साथ तापसी पन्नू, फरदीन खान, वाणी कपूर और एमी विर्क जैसे एक्टर्स दिखेंगे। तो इनके इस पुष्पा 2 डिले होती है तो जॉन अब्राहम की वेदा और अक्षय कुमार की खेल खेल में का क्लैश होगा। लेकिन अगर पुष्पा 2 डिले नहीं होती है तो इस क्लैश का हिस्सा अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 भी बनेगी, लेकिन आपको अब पता ही है कि इसमें किसकी बैंड बजेगी। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो अजय देवगन और तब्बू की औरों में कहां दम था मूवी का ट्रेलर आज ड्रॉप होने वाला है। अब मैंने तो ये ट्रेलर अभी तक नहीं देखा है, लेकिन जब तक ये वीडियो आप देख रहे होंगे तब तक इस मूवी का ट्रेलर आ चुका होगा। तो अगर आपने देख लिया है तो भाई कमेंट करके बताओ कि आपका उसके ऊपर क्या कहना है। अगली अपडेट आ रही है इश्क विश्क मूवी के सिक्वल इश्क विश्क रिबाउंड मूवी से। तो पहले पार्ट में दिखने वाले शाहिद कपूर के किरदार का केमियो हमें इस सिक्वल के अंदर दिख सकता है। अब ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन जब ये सवाल मूवी के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में पूछा गया, जिस पर मेकर्स ने कहा कि इस सवाल का जवाब आपको 21 जून को थिएटर्स में मिलेगा, तो हाँ चांसेस तो है उस पिक्चर के केमियोस के, बाकी देखते हैं क्या होता है। नेक्स्ट अपडेट है प्रभास की कल की 2898 एडी मूवी से। दिशा पटनी के बर्थडे के ओकेजन पर उनके कैरेक्टर का एक पोस्टर ड्रॉप किया गया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। साथ ही उनके किरदार का नाम भी रिवील किया गया है, जो कि होगा रॉक्सी। साथ ही कल की मूवी ओवरसीज एडवांस बुकिंग कलेक्शन में काफी बढ़िया परफॉर्म कर रही है, जहां इस मूवी से ऑलरेडी $1.25 मिलियन की प्री सेल्स हो चुकी है। अब पोस्टर्स की बात हो ही रही है तो बता दूं कि पवन कल्याण की उस्ताद भगत सिंह मूवी से भी एक पोस्टर ड्रॉप किया गया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। इसके अलावा एक्टर गोपी चंद की फिल्म विश्वम से भी एक पोस्टर ड्रॉप किया गया है, जिसको आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। फिलहाल इस मूवी की कोई रिलीज डेट अभी तक रिवील नहीं की गई है, लेकिन रिलीज डेट से रिलेटेड अपडेट हमें बहुत जल्द देखने को मिलेगी। अगली खबर आ रही है मास महाराजा रवि तेजा की फिल्म मिस्टर बच्चन से, जिसको लेके ऐसा बताया जा रहा है कि रवि तेजा की यह फिल्म 27 सितंबर को रिलीज हो सकती है। अभी इस डेट को इन्होंने अनाउंस नहीं किया है, अभी डिस्कशंस चल रहे हैं। लगता है ओजी मूवी के पोस्टपोन होने की खबर से काफी खुश है लोग, क्योंकि अब टोटल 3 मूवीज ओजी के शिफ्ट होने के बाद 27 सितंबर की रिलीज को टारगेट कर रही है। जूनियर एनटीआर की देवरा, दुलकर सलमान की लकी भास्कर और रवि तेजा की मिस्टर बच्चन। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो भाई इतने सारे रूमर्स, लीक्स और बस के बाद बॉर्डर मूवी के रिलीज के 27 साल के बाद फाइनली उसके सीक्वल बॉर्डर 2 मूवी को ऑफिशियली अनाउंस कर दिया गया है, जहां एक छोटा सा अनाउंसमेंट वीडियो पोस्ट किया गया है। लेकिन इस अनाउंसमेंट वीडियो के अंदर सिर्फ सनी देओल का ही नाम है, इसके अलावा टी सीरीज और जेपी फिल्म्स ने हाथ मिलाया है इस मूवी के लिए। इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे डायरेक्टर अनुराग सिंह, जिन्होंने इससे पहले अक्षय कुमार की केसरी मूवी को डायरेक्ट किया था। साथ ही इस मूवी के मेकर्स इस मूवी को 2026 के रिपब्लिक डे में रिलीज करने का प्लान कर रहे हैं। अगली अपडेट की बात करें तो एक्टर अनुभव मोहंती वापस आ चुके हैं एक कोर्ट रूम ड्रामा मूवी को लेकर, जिसका नाम है कुहुडी। इस मूवी का ट्रेलर ड्रॉप हो चुका है, साथ ही ये एक ओडिया फिल्म है जो कि इस वीकेंड पर यानी कि 14 जून को रिलीज होने वाली है। अगली खबर आ रही है सिद्धार्थ बोर्ड के उर्वशी राउतेला और रवि किशन की फिल्म जहांगीर नेशनल यूनिवर्सिटी JNU से। सबसे पहले तो इस मूवी का सेंसर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और इस मूवी की नई रिलीज डेट भी सामने आ चुकी है, जहां ये मूवी रिलीज होने वाली है इसी महीने 21 जून को। और आज की अपनी लास्ट अपडेट की बात करें तो बैटल ऑफ छुरिया पार्ट 1 मूवी का ऑफिशियल टीजर ड्रॉप हो चुका है। ये एक रिवेंज ड्रामा मूवी होगी, जिसकी स्टोरी सेट होगी 1970s में। इस मूवी को लिखा और डायरेक्ट किया है रवि सिंह ने। ओके देन आज की बात यही तक रखते हैं, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो यार एक लाइक कर देना। मिलते हैं कल शाम को 7 बजे। दिस इज जय सिंह वॉचिंग जस्ट एक्स सिनेमा। बाय, टेक केयर, जय हिंद।